हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट ऑन यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ये रिलीज की है, जहां पे भारत में टोटल जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल के यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उनके डेटा, यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसकी इंक्रीज कितनी हुई है, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस है स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो, कितने यहाँ पे जो है फीमेल स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुई है, दिव्यांग स्टूडेंट्स इंक्रीज हुई है, जो अलग अलग स्कूल में फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है, सब की रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है। बारीकी से हम लोग सब कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो देखिए आपके फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट ऑन यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसको यूडीआईएस प्लस भी बोला जाता है, ये 2019-20 का, यानी कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जो स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड क्लास वन से लेकर क्लास 12 तक ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो अगर ये देखा जाए, ये भारत में जो लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल सिस्टम में क्लास वन से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे जो इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2018-19 में, उसके बाद यहाँ पे काफी सारे डेटास जो है उसकी एंट्री स्पीड अप की गई, जो भी एरर थी उसको रिड्यूस की गई, डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव की गई, और उसके वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको काफी यूज की गई। तो एक चीज देखिए, देश में स्कूल स्टूडेंट्स उस उन लोग की जो भी फैसिलिटीज है, उन लोग की जो स्कीम्स है, उसको डेवलप करने के लिए उसको डेटा प्रॉपर एक्यूरेसी के हिसाब से और 100% डेटा अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके हिसाब से और भी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। तो इस प्रोसेस से जितने भी स्कूल है और उनके जो रिसोर्सेस है उनके डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में टोटल 1.5 मिलियन स्कूल यहाँ पे कवर किए गए हैं, लगभग 8.5 मिलियन टीचर्स को यहाँ पे कवर की गई है, और लगभग 250 मिलियन यानी कि लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे शामिल है। तो मेनली जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये क्लास वन से लेके क्लास 12 तक की जो स्कूल स्टूडेंट्स है यहाँ पे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया यहाँ पे लिए गए हैं। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि 2019-20 के जो फाइनेंशियल में टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी लेवल तक, ये 26.45 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यानी कि भारत में जो क्लास वन से लेके क्लास 12 तक की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो है 26.45 करोड़। तो यहाँ पे देखिए सारे जो डेटाज आपको मिलेंगे, ये जितने भी इंफॉर्मेशन ज्यादातर फैक्चुअल ही होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एनालाइज भी करते जाऊंगा, और अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है आपको किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन में, चाहे वो एज उनकी कुछ भी हो, तो ये सब जो एनरोलमेंट ये परसेंटेज में दिखाया जाता है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो अपर प्राइमरी लेवल में हर जगह पे यहाँ पे इंक्रीज हुई है, पहले जो थी 87.7% थी, ये अभी 89.7% हुई। एलिमेंट्री लेवल पे यहाँ पे देखिए, पहले 96.1% थी, अभी 98.97.8% हो गई। सेकेंडरी लेवल स्कूल में यहाँ पे अगर देखा है, पहले 76.9% थी, अभी 77.9% हो गई। हायर सेकेंडरी में यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50.1% थी, अभी 51.4%। हर जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर एनरोल हुए हैं, स्पेशली हायर सेकेंडरी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए पीपल टू टीचर रेशियो, यानी कि कितने स्टूडेंट्स के मुकाबले टीचर कितने हैं उसके रेशियो को यहाँ पे देखा जाता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 96.87 लाख टीचर्स जो है स्कूल एजुकेशन में एंगेज है, 2018-19 के मुकाबले लगभग 2.5 लाख टीचर जो है यहाँ पे
इंक्रीज हुई है, तो इसमें ये दिखता है कि नंबर ऑफ जो रेशियो जो है टीचर टू प्यूपिल रेशियो, ये डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। दिव्यांग स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे उन लोगों की एनरोलमेंट भी काफी बढ़ी हुई है। तो 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर से 2019-20 के फाइनेंशियल में दिव्यांग स्टूडेंट जो है उन लोगों की एनरोलमेंट भी 6.52% की इंक्रीज हुई है। गर्ल स्टूडेंट्स के अगर एनरोलमेंट में देखा जाए, स्पेशली प्राइमरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक यहाँ पे देखा गया है, तो ये जो है टोटल संख्या जो है 12.08 करोड़। तो 2018-19 के मुकाबले यहाँ पे 14.08 लाख एक ही साल में नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स जो है एनरोलमेंट फ्रॉम क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बढ़ी है। बहुत ही इंप्रेसिव ये आंकड़ा है। नेक्स्ट अगर देखा जाए जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स में एक्चुअली हम लोग किस कंपैरिजन में देखते हैं कि मेल स्टूडेंट्स के मुकाबले अगर मान लीजिए मेल स्टूडेंट्स 100 एनरोल हुई है, तो उसके हिसाब से फीमेल स्टूडेंट्स कितने एनरोल हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है। तो अगर देखा जाए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल में यहाँ पे सब जगह में जो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स और मेल स्टूडेंट्स के रेशियो को देखा जाता है, तो 2012-13 और 2019-20 के मुकाबले जेंडर पैरिटी इंडेक्स अगर देखा जाए सेकेंडरी लेवल या फिर हायर सेकेंडरी लेवल में काफी इंप्रूव हुआ है। स्पेशली यहाँ पे अगर हायर सेकेंडरी लेवल में देखा जाए तो ये 1.04% जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है इन 2019-20, जो 2012-13 में जो है 0.97 था। यानी कि 2012-13 में अगर फीमेल स्टूडेंट्स 97 एनरोल हुई थी इन कंपैरिजन टू 100 मेल स्टूडेंट्स, लेकिन 2019-20 में अगर देखा जाए 104 फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं इन कंपैरिजन टू 100 मेल स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझने के लिए कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स की क्या हुई है, तो ये देख सकते हैं फीमेल स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट इन हायर सेकेंडरी लेवल पे काफी बढ़ी है इन कंपैरिजन टू द मेल स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे फैसिलिटीज एट स्कूल, स्कूल्स में कितनी फैसिलिटी इंक्रीज हुई है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए 2018-19 के मुकाबले काफी बढ़ी है। यहाँ पे 2019-20 में भारत में टोटल 80% स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यही मेन होगा कि 100% स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो। कंप्यूटर्स अगर देखा जाए 2018-19 में जितने भी स्कूल्स में कंप्यूटर थी ये 4.7 लाख थी, और ये जो है इंक्रीज हुई है 5.2 लाख 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में। इंटरनेट फैसिलिटी अगर देखा जाए 2018-19 में ये 2 लाख जो है स्कूल्स में इंटरनेट फैसिलिटी थी, लेकिन ये 3.3 लाख बढ़ी है यहाँ पे 2019-20 में। हैंड वॉश फैसिलिटी यानी फिर सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के यहाँ पे हेल्थ की यहाँ पे जो ध्यान रखा गया है, तो अगर देखा जाए 90% स्कूल में जो है यहाँ पे हैंड वॉश की फैसिलिटी है 2019-20 में। अगर देखा जाए 2012-13 में ये सिर्फ 36.3% थी, लेकिन ये काफी कम है। ये 90% स्कूल्स में हैंड वॉश की फैसिलिटी है, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी है, लेकिन ये भी जो है 100% होनी चाहिए और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। मेडिकल चेकअप्स अगर देखा जाए, मेडिकल चेकअप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2019-20 में। अगर देखा जाए यहाँ पे 82% स्कूल्स में मेडिकल चेकअप्स कंडक्ट किया गया, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को यहाँ पे कुछ भी अगर मेडिकल या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो उसको यहाँ पे सुधारा जाए। लेकिन डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये भी देखा जाएगा कि 100% स्कूल्स, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, अर्बन एरियाज में हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, ये 100% स्कूल्स में मेडिकल चेकअप होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे काफी सारे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं आपके, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स में भी देखा जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के लगभग जुलाई के महीने में इसको रिलीज किया गया था। कई बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे, इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है यहाँ पे। सर्व शिक्षा अभियान जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिशन जो स्टार्ट किया गया था। मिड डे मील स्कीम जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो
प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को जितने यहाँ पे कैलोरी मिलनी चाहिए या फिर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स को जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए उसको ध्यान रखा गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2019 में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के हिसाब से ये अभी एक फंडामेंटल राइट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, तो ऐसे काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने ली है। तो देखिए गवर्नमेंट को ये स्कीम्स को डेवलप करने के लिए, इसको प्लान्स करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या देखेगी, अलग अलग स्टेट्स में क्या हो रही है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग देखा जाएगा। नीति आयोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं कि कौन से राज्य में कैसे यहाँ पे जो है जो स्टेट्स इंप्रूव कर रही है, यहाँ पे जो भी स्टेट्स यहाँ पे नीचे है तो उन लोग के पास एक बेंचमार्क रहता है कि टॉप लेवल स्टेट्स में यहाँ पे कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे डेटा जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, जिसके हिसाब से स्टेट लेवल की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अपने स्कीम्स को प्लान कर सके, अपनी योजना को प्लान कर सके, ताकि यहाँ पे जो भी एजुकेशन सिस्टम स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे उसको आगे बढ़ाया जा सके और देश में अगर बात करेंगे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों ही एक साथ हो सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज की है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।